चलिए दोबारा से अपना जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का हम टॉपिक कर रहे थे उसे पार्ट टू में शुरू करते हैं। दिस इज सेक्शन 9 का पार्ट टू एंड चलिए चलो शुरू करते हैं इसको यार। ठीक है, तो हमने 157 पढ़ा। 157 ये कहता है अगर कोई भी स्टेटमेंट जो पहले दी गई है उस स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है कॉरोबरेट करने के लिए वो स्टेटमेंट वो फैक्ट जो विटनेस ने कोर्ट में दिया है, तो उसको कॉरोबरेशन करने के लिए, हाँ जिसने पहले भी यही कहा था उससे कॉरोबरेशन मिल जाएगा। तो टीआईपी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि भैया कल कोई कोई ये ना कहे कि ये 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, भूल गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने उसका आइडेंटिफिकेशन करा देते हैं कि क्या यही था, किस तरीके से कराते हैं, पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। लेकिन अभी लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि विटनेस को बुलाएंगे और पहचान करवाएंगे कि क्या यही व्यक्ति था जिसको आपने देखा था कि हाँ जिसने डेथ कॉज की है। आप ये कह देंगे हाँ, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और जब वो विटनेस कोर्ट में आएगा गवाही देने के लिए, तो जब वो विटनेस ये कहेगा कि हाँ यही था, तो उसकी कोर्ट की स्टेटमेंट को कॉरोबरेट करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का इस्तेमाल किया जाएगा कि देखो साहब इसने उस समय टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में भी इसी को पहचाना था, इसी को पहचान की थी, इसलिए यही आदमी है। तो इस तरीके से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन 157 का जो कॉरोबरेटिंग एविडेंस है वो कोर्ट को 157 का कॉरोबरेटिंग एविडेंस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाता है। तो इस तरीके से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एड्स और क्रिएट ग्रेटर रिलायबिलिटी टू सच आइडेंटिफिकेशन। अब यार सीधा आप कोर्ट में उसको पहचान कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने बोला कि टाइम लिमिट काफी हो जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब आपने उसी आदमी को पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचान लिया कि यही था और उसी आदमी को आपने कोर्ट में फिर पहचान लिया, तो दो बार पहचान की ना, और दोनों बार आपकी स्टेटमेंट अलग नहीं, आप एक ही आदमी को पहचान कर रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। क्या अकेला इससे प्रूव हो गया? नहीं, प्रूफ के लिए आपको और फैक्टर्स प्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि पहले भी आपने उसी को पहचाना और आज भी आपने उसी को पहचाना। ठीक है, तो ये पर्पज होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज जो कि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में की जाए, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में की गई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। अब इसके अलग अलग पहलू हमें समझने हैं, उसको हम देख लेते हैं। जी, सबसे पहले सवाल आता है कि क्या पुलिस अधिकारी बाउंड है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कि क्या उसको करना ही करना है, इज ही बाउंड टू डू द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। The answer is the investigating officer or the police officer is not bound to do the test identification. लेकिन ये माना जाता है कोई भी समझदार पुलिस अधिकारी होगा वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पक्का कराएगा ताकि प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हो सके, ताकि कॉरोबोरेटिंग एविडेंस मिल सके और ताकि प्रोसिक्यूशन उस केस को लॉजिकल एंड तक ले जा सके। लेकिन ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है, मैंडेटरी कुछ नहीं है। मान लीजिए आईओ को लगता है कि नहीं कराना, मुझे नहीं करा सक, मतलब नहीं कराएगा, उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कुछ नहीं कह सकते आप। लेकिन कहा जाता है कि एक प्रूडेंट ऑफिसर जो होगा, एक समझदार ऑफिसर होगा, वो टीआईपी जरूर कंडक्ट कराएगा। उसके बाद सवाल उठता है कि मान लीजिए, हाँ मैंने आपको शुरुआत में एक चीज कही थी कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं होती, पुलिस का अधिकारी वहां पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के समय मौजूद नहीं होगा, उसका क्या रीजन है? और किसके, अगर पुलिस के सामने नहीं होती तो किसके सामने होती है, वो भी हमें समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पुलिस के सामने नहीं होती तो किसके सामने होती है। भैया या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वहां पर, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, या कुछ केसेस में अगर ये उपलब्ध ना हो तो प्राइवेट इंडिविजुअल जिनको हम पंच विटनेस कहते हैं उनकी उपस्थिति में भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है, लेकिन पुलिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर पुलिस है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जिसके कारण पुलिस नहीं होती? हमने 162 सीआरपीसी में ये कहा था, इसको डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में सीआरपीसी में ही करेंगे क्योंकि टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं पहले ही बताया था, हो सकता है इसे 1.5-2 घंटे की भी क्लास सिर्फ 162 पे लग जाए। अभी सिर्फ ब्रीफ में इतना बता रहा हूं कि पुलिस को मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोर्ट में ट्रायल के दौरान नहीं हो सकता। इसके एक्सेप्शन हैं, अगेन
अब ये मत सोचना कि मैंने एक्सेप्शन नहीं बताया, अभी एक्सेप्शन बताने के ना तो समय है और ना वो स्टेज है, हम सीआरपीसी नहीं करेंगे अभी के लिए। आप इतना समझिए जो बेसिक फंडा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पुलिस को दी गई है उस स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रायल में, क्योंकि पुलिस कुछ भी स्टेटमेंट निकलवा लेगी और फिर पुलिस वो स्टेटमेंट ट्रायल में इस्तेमाल करेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पुलिस को दी गई कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं यूज की जा सकती, ये 162 बोलता है, ट्रायल में नहीं यूज की जा सकती। अब देखिए, मान लीजिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड चल रही है, विटनेस को बुलाया गया, अक्यूज को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या यही था, विटनेस ने कह दिया यस, और मान लीजिए वहां पर पुलिस ऑफिसर मौजूद है। अब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस के कारण क्या हुआ, दिस इज अ स्टेटमेंट मेड टू पुलिस, एंड क्योंकि दिस इज अ स्टेटमेंट मेड टू पुलिस और 162 कहती है कि नॉट कैन नॉट बी यूज, अब टीआईपी पुलिस की प्रेजेंस के कारण यूज नहीं हो सकती। भाई टीआईपी जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कॉरोबरेटिंग एविडेंस था वो सिर्फ इसलिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस वहां पर थी, और पुलिस के होने का मतलब है 162 का अप्लाई होना, और 162 के अप्लाई होने का मतलब है कि उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो सोल्यूशन क्या है, पुलिस को भगाओ भैया, पुलिस को बाहर निकालो वहां से, पुलिस की प्रेजेंस में आप मत कीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पंच विटनेस की प्रेजेंस में कर लीजिए, लेकिन पुलिस वहां पर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के दौरान नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस वहां पर है और ये प्रूव हो गया कि जिस समय टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई उस समय पुलिस के सामने हुई, देखिए आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में आप क्या देखते हैं कि पुलिस वहां पर होती है, पुलिस वाला पूछता है कि यही था, बट इन रियल लाइफ लॉ के हिसाब से पुलिस वाला वहां पर नहीं हो सकता है, पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर वहां पर है तो टीआईपी को हम एडमिट नहीं कर सकते, वो एक एविडेंस के रूप में, कॉरोबरेटिंग एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब मैं करता हूं गाइडलाइंस क्या क्या है, अभी तो मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा था, अभी हम देखेंगे कि टीआईपी की गाइडलाइंस क्या क्या है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, मेंस में तो आ सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आया, जब भी टीआईपी आए तो आपको इन पॉइंट्स का जिक्र करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहली गाइडलाइंस है कि ये मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए, हमने अभी डिस्कस किया, नहीं तो 162 अप्लाई हो जाएगा पुलिस के सामने होगी तो। दूसरा, अरेस्ट होते ही जितना जल्दी हो सके ASAP, एज सून एज पॉसिबल, ये आइडेंटिफिकेशन करवा लेनी चाहिए पुलिस को। अगर ये नहीं करवाई, अगर देखिए मान लिया आपने जल्द से जल्द नहीं करवाई तो क्या होगा, मेमोरी फेड हो जाएगी ना अक्यूज की। भाई मान लीजिए मैंने कल देख लिया उसको, अब आप मुझे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराने एक महीने के बाद, और मैंने उसको पहली बार ही देखा था, अब हो सकता है मैं भूल जाऊं, जैसे ही आपने अरेस्ट किया उसी के एक दिन के अंदर करा लीजिए, मतलब जब भी आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है, आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल जाती है, आप जल्द से जल्द करा लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि मैंने आपको एक क्लास में पहले भी बताया था कि जब भी हम फोटो देखते हैं अक्यूज्ड के, पुलिस के फोटो देखते हैं या न्यूज में देखते हैं तो उनके चेहरे ढके होते हैं, मतलब आम आदमी को लगता है चेहरे इसलिए ढके हैं क्योंकि अक्यूज ने चेहरे ढके हुए हैं, क्योंकि वो शर्मा रहा है कि वो उसका चेहरा किसी को ना पता चले। उसका लीगल रीजन ये होता है कि अगर मान लीजिए उसका चेहरा दिख जाए, मान लीजिए उसका चेहरा दिख गया न्यूज़पेपर में, फोटो देख लिया ए ने, अब ए इसका दुश्मन है, ए जाएगा पुलिस के पास ये कहने के लिए कि साहब मैंने देखा था और यही आदमी था, तो कहां से इसको पता चला कि पुलिस ने इसको अरेस्ट किया हुआ है, न्यूज़पेपर से या किसी मीडिया रिपोर्ट से या इसका चेहरा देख के। तो इसलिए जब तक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ना हो जाए इनके चेहरे को ढका जाता है, इनके चेहरे को नहीं दिखाया जाता। अब देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का तरीका यह है कि कम से कम 9 से 10 आदमी आप लेके आइए, ठीक है, और ये सिमिलर बिल्ट होने चाहिए, इनकी सिमिलर फिजिकल फीचर्स होने चाहिए। जितना मुश्किल आप बनाएंगे विटनेस को आइडेंटिफाई करना उतना वो ज्यादा रिलायबल होगा। जितना आपने 10 आदमी खड़े कर दिए सिमिलर से लुकिंग है, उनमें से अगर विटनेस पहचान लेता है, जितना मुश्किल आप विटनेस के लिए बनाएंगे उतनी आइडेंटिफिकेशन ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। तो आपको सुनिश्चित करना है कि जिस हाइट का अक्यूज है उसी हाइट के 9-10 आदमी कम से कम होने चाहिए,
फिजिकल फी मतलब मोटा है तो मोटे आप होने चाहिए। अब ये ना कि अक्यूज तो मोटा था और बाकी सब आपने पतले खड़े कर दिए, अब वो एकदम से मोटे को पहचान लेगा। तो आपको विटनेस के लिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल बनानी है, तो आप सुनिश्चित कीजिए कि कम से कम 9-10 आदमी हो, सिमिलर फीचर्स के हो, दिखने में कद काठी सेम हो। इस तरीके से जिस समय आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ये अगले गाइडलाइन है, जिस समय आइडेंटिफिकेशन हो रही है उस समय कोई भी मार्क या टैग या कोई भी अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 8-9 आदमी खड़े कर दिए, उसमें से एक का मुंह खुला हुआ है, बाकी को आपने मफलर किया हुआ है, या एक को मफल्ड किया हुआ है बाकी के मुंह ढके हुए हैं, मतलब कुछ भी इस तरीके की अलग चीज नहीं होनी चाहिए, कोई मार्क नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बाकी सब कपड़ों में है और उसको आपने शॉर्ट्स में खड़ा कर रखा है, मतलब किसी भी तरीके का मार्क या टैग अपॉन दी बॉडी ऑफ द अक्यूज नहीं होना चाहिए, जिससे विटनेस को लगे कि हाँ यही था। वो बिल्कुल इस तरीके से हो कि विटनेस को समझ में ही ना आए कौन सा है, उसके बाद भी अगर विटनेस पहचानता है तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अगली बात है, ये गाइडलाइन हो गई अपनी, उसके बाद आता है कि क्या टीआईपी मैटर ऑफ राइट है। भाई अक्यूज को पकड़ लिया पुलिस ने, अब अक्यूज ये कहे कि साहब मैं नहीं था, जो चश्मदीद गवाह है उसको बुला के पूछ लो, उससे मेरी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करा लो, वो खुद ही कह देगा कि मैं नहीं था। क्या ये एज अ राइट क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो, ये एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता। टीआईपी सिर्फ और सिर्फ प्रेरोगेटिव किसका है? पुलिस ऑफिसर का। उसको अगर जरूरत महसूस होगी तो कराएगा, अगर नहीं महसूस होगी तो वो नहीं कराएगा। ऐसा नहीं कि ये अक्यूज कहे कि नहीं नहीं मेरी कराओ मेरा राइट और वो एप्लीकेशन लगाए, नो दैट इज नॉट अलाउड। अगला सवाल आता है, कैन बेल बी रिफ्यूज टू द अक्यूज ऑनली ऑन द ग्राउंड दैट द टीआईपी वाज नॉट कंडक्टेड। भाई मान लीजिए अब अक्यूज जो है वो बेल लेने के लिए जाता है कोर्ट में, लेकिन प्रोसिक्यूशन आके कहता है कि नहीं साहब बेल मत दो इसको क्योंकि इसका टीआईपी नहीं हुआ है, क्या ये ग्राउंड है बेल रिजेक्ट करने का? ये ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है रिजेक्ट करने का। ठीक है, बिल्कुल बेल उसको मिल सकती है, लेकिन कोर्ट साथ में ये गाइडलाइंस एडवाइजरीज बोलते हैं इसको, गाइडलाइंस इशू कर सकता है अक्यूज के को कि भैया आप कहीं भी पब्लिक में नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो इन टू पब्लिक, क्योंकि पब्लिक में गए तो आपका चेहरा देख लिया जाएगा और कल को जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो बिकॉज आपका रिकॉग्नाइज चेहरा उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए कॉन्सेप्ट ये है कि बेल रिजेक्ट करने का ये ग्राउंड नहीं है कि इसकी टीआईपी नहीं हुई है, इसकी टीआईपी होनी है, ये बेल रिजेक्ट करने का ग्राउंड नहीं है। बेल मिल सकती है बेशक टीआईपी ना हुई हो, लेकिन कोर्ट साथ में ये एडवाइजरी या गाइडलाइन भी दे सकती है कि भैया तुम इतने समय तक कहीं पर भी नहीं निकलोगे, किसी को चेहरा नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी टीआईपी नहीं हो जाती है, तब तक आप टीआईपी करा लो। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आता है, एक सेकेंड, हां जी, मान लीजिए अक्यूज कोऑपरेट ना करे टीआईपी के लिए, अक्यूज मतलब अक्यूज को आप लेके आएंगे ना, तो मान लीजिए अक्यूज कोऑपरेट ना करे टीआईपी के लिए, तो ऐसे में सेक्शन 54A सीआरपीसी के ऑर्डर्स आप मजिस्ट्रेट से ले सकते हैं। इसके बीच में मतलब आई नॉट एक्सप्लेन, आप 54A सीआरपीसी देख लीजिएगा खोल के, उसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं कि मुझे इसकी टीआईपी करानी है, नीज नॉट कोऑपरेटिंग, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट सेक्शन 54A सीआरपीसी के तहत ऑर्डर दे सकता है टीआईपी कराने के लिए। पर मान लीजिए 54A के ऑर्डर के बाद भी अक्यूज ना कोऑपरेट करे, अगर 54A के ऑर्डर के बाद भी अक्यूज कोऑपरेट नहीं करेगा तो जो 114 की प्रेजम्पशन है वो अक्यूज के खिलाफ आ जाएगी। पहले काम कीजिए आप 114 निकालिए, टेक आउट 114 और उसको पढ़िए। कोर्ट में प्रज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, द कोर्ट में प्रज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीन हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक प्राइवेट बिजनेस इन द रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर कॉज। ओके, मैं सिंपल में समझा देता हूं आपको। सेक्शन 114 ये कहता है कि अगर कोई चीज है जो कि कोर्ट को लगता है कि इस तरीके से हुई होगी या वो कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स है, ऐसे में कोर्ट प्रज्यूम कर सकता है। उदाहरण के तौर पे यहां पर 114 का क्या रिलेवेंस है? भाई आप अक्यूज्ड हो, आपकी टीआईपी हो रही है, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, टीआईपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपके अगेंस्ट 54A के ऑर्डर ली आई पुलिस मजिस्ट्रेट से, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे, तो आप क्या छुपाना चाहते हो?
अगर आप बेगुनाह होते तो आप क्यों डरते, आप कहते करा लो भाई टीआईपी। अगर आप टीआईपी से बच रहे हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है ना। तो ये गड़बड़ी 114 एविडेंस एक्ट के तहत प्रजम्पशन रेज कर सकती है कि अक्यूज कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि अक्यूज ने ही मारा था या अक्यूज ने वो क्राइम किया था, लेकिन टीआईपी ना करवाकर इतना प्रजम्पशन तो बनता है भाई, कोई साधारण व्यक्ति क्यों बचेगा। अगर उसने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं छुपाना चाहता तो कहेगा कि कराओ जी टीआईपी, वो तो मेरे फायदे में जाएगी। आप मुझे पकड़ लाए हो, मुझे अरेस्ट कर लाए हो, जो चश्मदीद गवाह है उसको बुला के पूछ लो, वो ये बोल देगा कि मैं नहीं था, कम से कम आप मुझे छोड़ दोगे, मुझे बेल तो मिल जाएगी। अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, अगर आप टीआईपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो एक प्रजम्पशन बनता ना कि हाँ कुछ दाल में काला है, ठीक है। तो 114 एविडेंस एक्ट का जो प्रजम्पशन है वो उसी संदर्भ में है। आप 114 के साथ इसको लिंक करके पढ़िएगा। तो इसके साथ हमारा जो अगला सवाल था वो भी हो गया है कि अगर अक्यूज कोऑपरेट ना करे तो कैसे आपको टीआईपी में आगे बढ़ना है और कैसे आप उसमें प्रज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद अपना अगला सवाल आता है कि ज्वाइंट टीआईपी हो सकती है क्या। मान लीजिए विटनेस एक है, तीन आदमी ने मिलकर मारा है, उसका विटनेस एक है, अब उनकी ज्वाइंट टीआईपी करानी है, बिल्कुल हो सकती है। एक ही टीआईपी में वो तीनों को ज्वाइंटली पहचान सकता है, लेकिन नंबर ऑफ व्यक्ति आपको बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब जो गाइडलाइंस थी 8, 9, 10 की वो आपको बढ़ाने चाहिए। और क्या कहते हैं, एक ही टीआईपी में ये किया जा सकता है। इसके लिए तो एक केस लॉ भी है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा, शेख सिंथा मदर अलियास जफार अलियास सिंथा वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2016 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कहा कि एक, दो या दो से अधिक की टीआईपी एक साथ हो सकती है, सेम टाइम पे हो सकती है, सेम टीआईपी में उनको किया जा सकता है। अब अगला सवाल आता है कि मान लीजिए टीआईपी में डिले कर दे, तो डिले के क्या होगा। देखिए मान लीजिए थोड़ा बहुत डिले है, ये डिले अपने आप में टीआईपी को कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, मतलब उसकी जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अननेसेसरी और अनएक्सप्लेन्ड डिले है तो पुलिस के रोल पर सवाल उठ सकता है और वहां पर चांसेस हो सकते हैं कि विटनेस ने अक्यूज को देख लिया हो इंसिडेंट के बाद। जो हम कह रहे थे कि अक्यूज दिखे ना तभी वो पहचान करेगा ना। तो ये केस लॉ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वसीफ हैदर 2018 सुप्रीम कोर्ट, और ये चीज भी हमने उसमें अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब बचता है आपका डिस्कशन, एक सेकेंड रुक जाइए बस, आई होप द टॉपिक इज डन। दो तीन बातें बची हैं शायद इसमें, एक मिनट। हाँ जी, नहीं बचा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा था, इसका हेडिंग है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टीआईपी। एक जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, मतलब उसको कितनी तवज्जो कोर्ट देगा। जो विटनेस ने अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहचाना है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है उसकी, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहली बात तो है कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, नॉट मतलब ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसका डायरेक्ट एडमिसिबल का कोई रिलेशन नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कितना है कि मान लीजिए ट्रायल में आकर जब विटनेस अक्यूज को पहचानता है तो जो पहले उसने पहचान की थी वो उसको कॉरोबरेट करता है, बस इसका पर्पस सिर्फ ये है। तो मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो ट्रायल के दौरान वाली है, समझ रहे हैं। इसकी तो वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि जब वो विटनेस कोर्ट के सामने आके अक्यूज को पहचान लेगा तो उससे कॉरोबरेटिंग फोर्स मिलेगी कि हाँ साहब इसने पहले भी पहचाना था, तो इसने पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी, अब भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट को, उसकी आइडेंटिफिकेशन को और ताकत मिलेगी। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। लेकिन एक स्पेशल केस यहां पर आता है। स्पेशल केस क्या आता है कि मान लीजिए विटनेस ने टीआईपी में तो पहचान कर दी, विटनेस ने टीआईपी में पहचान कर दी, लेकिन जब ट्रायल के समय वो आया
कोर्ट के सामने वो आया तो उसने पहचानने से मना कर दिया कि नहीं साहब ही वॉज नॉट दी वन या आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो उसने ट्रायल में सबूत दिए बाकी सब सर्कमस्टेंसेस सेम है। सर्कमस्टेंसेस की वो वहां से गया, वहां पर उतने देखा, वहां पर उसने वो देखा, ये देखा, मतलब बाकी सब चीज सेम है। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या यही आदमी था, तो उसने कह दिया ये नहीं था जी, या उसने कह दिया कि मुझे ध्यान नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन टीआईपी में उसने उसी आदमी को पहचाना था। देखिए एक चीज समझिए, एक बार तो शुरू में उसकी गवाही हुई या उसके स्टेटमेंट्स हुए, उसके बाद कोर्ट में उसके स्टेटमेंट्स हुए ट्रायल के दौरान। टीआईपी एक बार तो शुरू में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई और उसके बाद ट्रायल पे हुई। अब ये जो स्टेटमेंट जो है ना, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो सब वही बोल रहा है कि मैं वहां से जा रहा था, देखा मैंने दो आदमियों ने मारा, उसने पहले चक्कू मारा फिर गोली मारी, वो चीज उसकी वैसे की वैसे जैसे उसने पहले बोली थी, कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जब टीआईपी की बारी आई ना, तो सॉरी आइडेंटिफिकेशन की बारी आई, तो टीआईपी में तो उसने पहचान कर दी कि हां साहब यही था। लेकिन जब ट्रायल में दोबारा पहचान करने के लिए बुलाया तो उसने रिट्रैक्ट कर दिया, या तो ये कह दिया ये नहीं था, या ये कह दिया कि मुझे याद नहीं। अब ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये देखेगा कि भाई अगर जो रिट्रैक्शन है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन को लेकर है और इसके अलावा सारे सर्कमस्टेंसेस सेम है, और कोर्ट को ये लगे कि बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसी व्यक्ति ने काम किया है, इसी व्यक्ति ने किया है जिसको ये पहचानने के लिए अब मना कर रहा है, तो कोर्ट पुरानी जो टीआईपी की स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल कर सकता है, जो इसने नई स्टेटमेंट दी है विटनेस ने ट्रायल में, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। ठीक है, पहले हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे? कॉरोबरेट करने के लिए। लेकिन अगर उसने स्टेटमेंट बदल दी अपनी और जज सहमत है कि ये स्टेटमेंट गलत बदल रहा है या रिट्रैक्शन ठीक नहीं है, बाकी सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अक्यूज के अगेंस्ट है, बाकी सब सर्कमस्टेंसेस विटनेस ने मान लिए कि ऐसा हुआ था, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ कर रहा है, तो कोर्ट वहां पर पुरानी स्टेटमेंट को एज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकता है आइडेंटिफिकेशन की जो उसने किया था, और वो ये मान सकता है कि अगर ये मैलिफाइड पर्पज से की जा रही है, कोर्ट को यकीन हो जाता है कि ये जो विटनेस है ये जानबूझकर पैसे लेकर या डर के या किसी भी तरीके से मैलिफाइड पर्पज से अगर ये कर रहा है, तो कोर्ट उस टीआईपी स्टेटमेंट को कंसिडर कर सकता है। बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, इसमें इससे ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। अब हम आते हैं रिलायबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि जो आप कोर्ट में आइडेंटिफाई करेंगे उसकी रिलायबिलिटी क्या मानी जाएगी, हाउ रिलायबल द स्टेटमेंट विल बी। देखिए पहली बात तो कोर्ट को बहुत सर्कमस्पेक्ट होना चाहिए कि विटनेस जो आइडेंटिफाई कर रहा है, चश्मदीद गवाह जो है जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हां यही था, उसकी स्टेटमेंट को बहुत सर्कमस्पेक्ट एटीट्यूड से कोर्ट को देखना चाहिए, और कोर्ट को अलग अलग वेरियस फैक्ट्स को कंसिडर करके, वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करके अपना जुडिशियल माइंड वहां पर लगाना चाहिए। उसमें देखिए क्या क्या कोर्ट कंसिडर करेगा उस आइडेंटिफिकेशन की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। पहली बात ये देखिए कि विटनेस जो दे रहा है वो उसका मैनर क्या है, उसके हाव भाव कैसे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, सिर्फ उसके हाव भाव, मैनर इन विच द विटनेस गेव द टेस्टिमनी। उसके बाद आता है कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस सस्टेन हुआ, ये हमने शुरू में भी किया था, अगर कोई ओरल एविडेंस एडमिसिबल और रिलायबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे, जब रिलायबिलिटी की बात आई तो हमने कहा था कि इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, वो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में टूटे ना, तो यहां पर भी देखना चाहिए कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में भी विटनेस अपनी बात पर खड़ा था, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कोई ऐसा जवाब दिया जिससे ये लगे कि जो पहचान विटनेस कर रहा है, आइडेंटिफाई अक्यूज को कर रहा है, वो उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन उसने सस्टेन कर ली। दूसरे सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए कोर्ट को। उसके बाद क्या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण अक्यूज्ड को विटनेस ने रिमेम्बर रखा, मतलब क्या कोई ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण विटनेस के दिमाग में अक्यूज की इमेज बिल्कुल छप चुकी है। अभी कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, हो सकता है कि उस दिन विटनेस की और अक्यूज का इंटरेक्शन हुआ और लंबे समय के लिए हुआ। मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये गए बस स्टॉप पे, वो बस स्टॉप पे वेट के लिए बैठे थे, वहां पे कोई नहीं था, वहां पे भी आ जाता है,
बी से वो पहले कभी नहीं मिले, पहली बार मिल रहे हैं। बी से वैसे ही चर्चा हो जाती है, अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, तो ऐसी फार्मर्स एजिटेशन को लेकर उनकी चर्चा हो जाती है। चर्चा कम से कम 15 से 20 मिनट चलती है, ठीक है, 10 मिनट भी मान लीजिए, लेकिन उनकी चर्चा होती है आमने सामने बैठ के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर 11वें मिनट में सी आता है और बी सी को शूट कर देता है। अब देखिए, क्योंकि उसकी इंट्रैक्शन हुई है ना, इंट्रैक्शन होने से अगर ये प्रूव हो जाता है कि साहब मेरी वहां पर इंट्रैक्शन हुई थी उससे, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ उसको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि जिससे आपकी बात हो गई उसको आप याद रख सकते हैं। दूसरा, डिस्टेंस देखा जाएगा कि कितनी दूरी से देखा था, ये सवाल पूछा जाता है। जैसे जो आई विटनेस आएगा उसे पूछा जाएगा कि क्या आपने देखा, हाँ जी देखा, कितनी दूरी से देखा था, जी मैंने 50 मीटर से देखा था। 50 मीटर तक आपको सब कुछ ठीक दिखता है, चश्मा लगाते हो, इस तरीके के सवाल ज्यादा होते हैं, तो डिस्टेंस भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मान लीजिए डिस्टेंस ज्यादा था तो आइडेंटिफिकेशन की रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम था तो आप अक्यूज को बेहतर देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे। तीसरा फैक्टर है, क्या वहां पर लाइट अवेलेबल थी। मान लीजिए रात के 9 बजे हैं, वहां पर लाइट ही नहीं थी, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वहीं पर मान लीजिए दिन के 12 बजे हुए हैं, तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि तो वहां पर क्या लाइट उपलब्ध थी, ये भी एक फैक्टर है। कितने समय के लिए देखा आपने, ड्यूरेशन, अगर आप लंबे समय तक एक व्यक्ति को देखते हैं तो आपको ज्यादा याद रहेगा ना। मान लीजिए स्प्लिट ऑफ सेकंड्स देखा तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगी, तो जितना लंबा समय होगा उतनी आइडेंटिफिकेशन रिलायबल हो जाएगी। मान लीजिए अक्यूज के चेहरे पे कोई ऐसा अलग से डिस्टिंक्टिव फीचर रहा हो, डिस्टिंक्टिव फीचर इन द सेंस कि मान लीजिए उसके चेहरे पे चक्कू का निशान है या कुछ ऐसा है, जिसको अब कुछ कुछ छकें ऐसी होती है जिसको हम भूलते नहीं है, एक बार देख लें तो वो अलग से होते हैं। मान लीजिए उसका नाक इतना बड़ा है या कुछ और कैरेक्टरिस्टिक उसके चेहरे पे, तो इस तरीके से हम उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसमें 2 केस लॉज हैं जो कि हमें करने हैं और जो इस फंडे को और वो करते हैं। सबसे पहला केस है मलखान सिंह का। मलखान सिंह के केस में क्या होता है कि 3 व्यक्ति एक लड़की को उठाते हैं और उसका रेप कर देते हैं अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, अर्ली मॉर्निंग में उसका रेप हुआ है, जब वो सुबह जैसे गांव में रूरल एरिया में ओपन डिफेक्शन का वो है, क्योंकि अभी टॉयलेट्स हम हर घर तक नहीं पहुंचा पाए थे, और एक केस है 2003 के आसपास का, तो सोच लीजिए ऑफेंस और भी 90s में हुआ था, 2003 में तो जजमेंट आई है, तो 90 के दशक में सबके घर टॉयलेट्स नहीं होते थे रूरल इंडिया में, तो ज्यादातर जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो बाहर ही वॉशरूम के लिए जाते थे। अब ऐसे में जो लड़की है वो टॉयलेट के लिए गई हुई थी, सुबह की बात है, बहुत मतलब 4 बजे की बात मान लीजिए, 5 बजे की मान लीजिए, जब तक सूरज नहीं निकला था, और उस लड़की का रेप हो जाता है, उस समय हल्का सा वहां पर डार्क था। टीआईपी भी कोई कंडक्ट नहीं की गई और विक्टिम को डायरेक्टली कोर्ट में ही, विक्टिम ने डायरेक्टली अक्यूज को कोर्ट में ही पहचाना। अब सवाल ये रेज किया गया कि भैया इतने अंधेरे में तुमने देखा कैसे उसको। जो डिफेंस का वकील है वो ये कहेगा कि तुम ये कह रहे हो कि मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे साथ रेप किया है, लेकिन तुम कैसे देखोगे इतने अंधेरे में, सुबह 4 बजे के अंधेरे में तुमने उसको कैसे देख लिया। तो कोर्ट ने कहा भैया जब आप रेप कमिट करते हैं तो आप बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं विक्टिम के, तो अगर लाइट डिम भी है, कम भी है, तो भी आप विक्टिम को देख सकते हो, उसको पहचान सकते हो, और वो साइट आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहती है, इसलिए जो आइडेंटिफिकेशन थी ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि लाइट एक फैक्टर है, तो लाइट फैक्टर हो सकता है, लेकिन रेप के केस में तो सोचिए कि आप मतलब इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं कि लाइट अगर बहुत कम भी है तो भी यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज। तो मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में ये फैक्ट्स हुए थे। फिर एक केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये डकॉइटी का केस है। इसमें एक आई विटनेस है जो अपने आप को वहां पर छुपा लेता है जब डकॉइटी हो रही होती है, मतलब छुप जाता है, और वो कहता है कि मैंने लीडर को देखा है डकॉइटी के, और जो आई विटनेस है वो कहता है कि मतलब उस समय भी रात का समय था, तो लाइटन की रोशनी में, लैंटन की रोशनी में उसको देखा गया था। तो जो डिफेंस है उसने सवाल उठाया कि यार लैंटन की रोशनी में आप कैसे देख सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा था कि भैया जो गांव में रहता है वो हैबिचुअल होता है लालटेन की लाइट में चीजों को देखने, तो उसकी जो आईज हैं वो हैबिचुअल अकस्टम्ड हो जाती हैं, तो यहां पर उसकी जो टेस्टिमनी थी, आइडेंटिफिकेशन थी, उसको रिलायबल माना गया था।
एंड विद दिस वी एंड आवर टॉपिक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. अभी दिस इज सेक्शन 9 का पार्ट 2. अब हम सेक्शन 9 का पार्ट 3 करेंगे, वो अगले एपिसोड में करेंगे. एंड ये सेक्शन 9 क्योंकि काफी बड़ा चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है. तो वी आर डन विद टीआईपी. थैंक यू.